विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पुलिस थाना परिसर में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना के विरोध में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ता कन्याशाला चौराहे से पुलिस थाना परिसर में जुलूस के रूप में पहुंचे। इस दौरान हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। पुलिस थाना परिसर में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अनु जैन को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक के पूरे परिवार की हुई हत्या से हिंदू समाज आहत हुआ है। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की अत्यधिक संख्या के कारण उनके वोटों की लालची ममता सरकार भी न केवल उनके असंवैधानिक दुष्कृतियों की अनदेखी कर रही है, बल्कि हिंदू समाज पर अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि मंदसौर में विहिप कार्यकर्ता युवराज सिंह चौहान को गैंगस्टर बताकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन का वाचन जिला संयोजक राकेश राठौर ने किया। मतलब राष्ट्रीय मुद्दा है तो जो भी आपका ज्ञापन, जो भी राष्ट्रीय अपना उस हिसाब से जो भी निर्णय लेंगे वो होगा पश्चिम बंगाल में। पर ऐसा नहीं होता है कि कोई धर्म विशेष किसी धर्म विशेष को या उसके खिलाफ कुछ भी करता है। वो कुछ लोग ही होते हैं जो कि ऐसा आतंक मचाते या फैलाते हैं। तो आप अपने मन में ऐसी भावना ना लाएं कि एक धर्म विशेष के लोग या उनसे आपको दूरियाँ बढ़ानी है। सब लोग समान भाव से रहें, अच्छे से रहें। वो कुछ लोग ही होते हैं जिनके लिए कानून व्यवस्था है और जिनका जल्दी से जल्दी उपाय हो। ये पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और पूरे परिवार की हत्या की गई है, उस विषय में ज्ञापन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को हम चेताना चाहते हैं और राष्ट्रपति जी को अवगत कराया है कि इस पर जल्दी से जल्द एक्शन लिया जाए। वो पश्चिम बंगाल में एक घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटना हर महीने व्यतीत हो रही है और हम अब सहन करने के मूड में नहीं है। बजरंग दल रोड पर उतरेगा और आगे भी आंदोलन करने पड़े तो करेगा। इस जघन्य अपराध को रोका जाए, शासन से यही विनती करने के लिए हम यहाँ आए थे और आवेदन दिया है। ये है कि हमारे विभाग के सहमंत्री युवराज सिंह जी, जिनकी हत्या कर दी सरेआम धुंधपुरी में गोली मार दी गई और उल्टा उनको गैंगस्टर बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार हिंदू समाज को बदनाम कर पदाधिकारियों को डराना चाहती है। वह हिंदू समाज का कार्य रोकने की इस गति को अंजाम देना चाहती है, जो हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे और उनके लिए भी आगे लड़ाई जारी रहेगी।